नमस्कार, मैं मनोरमा कानपुर से हूँ। मेरी उम्र 63 वर्ष है। मैं एक वॉलेंट्री सोशल वर्कर हूँ। समाज सेवा के काम में रहते हुए मुझे खाने पीने का टाइमिंग्स ठीक से नहीं मेंटेन कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे एसिडिटी की और गैस की समस्या हो गई थी। फिर उसके कारण मुझे मेंटल स्ट्रेस भी बहुत रहता था। फिर मैं कई एक बार सोची कि आके मैं अपना ट्रीटमेंट ले लूं। तो जब से मैंने कराया है, मुझे शिरोधारा दिया गया है, जिससे मुझे बहुत ही आराम मिला है। और शिरोधारा के साथ साथ मेरे पंचकर्मा में थोड़ा और भी उन्होंने अपने हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट उनको उचित लग रहा था उन्होंने यहाँ मुझे राय दिया। और वाकई मैंने देखा है कि यहाँ पर आने के बाद और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटल स्ट्रेस को दूर करती है, जैसे कि योगा है, यहाँ का वातावरण है, यहाँ जो जिस तरह के पेड़ पौधे सब कुछ चारों तरफ हरियाली पसरा हुआ है, और जिससे हमें ऑक्सीजन लेवल भी अच्छी मिलती है। और यहाँ बिल्कुल गांव का लुक मिलता है, जिस तरह ये पुताई किया हुआ है गोबर के, इससे एकदम लगता है जैसे किसी गांव में हम लोग हैं। और बहुत मतलब अच्छा वातावरण है। जीवा के बारे में मुझे सबसे पहले तो पापा जब मेरे बीमार पड़े थे, उसके बाद मेरे को लगता था घर में बैठ के जब मैं उनके लिए देखती थी सब, तो मुझे ऐसे में सारे टीवी में कहीं भी घरेलू उपचार जो बताए जाते थे उस पर मेरा फोकस ज़रा ज़्यादा रहता था। और मैं हमेशा बहुत समय से, मतलब 2:30 बजे जो प्रोग्राम लगाती थी प्रताप चौहान जी का, उनको मैं हमेशा सुनती रहती थी। मेरे दिमाग में घरेलू उपचार बहुत अच्छी तरह से भरते जा रहा था, और उसको लेके मैंने पापा के भी इलाज में उसको काफ़ी प्रयोग किया। वो जो चीज़ भी बताते थे, मुझे जो प्रॉब्लम होता था, मैं आ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं उस चीज़ को कोशिश करती थी कि मैं उसको फॉलो करती रहूं। और जितना मैं करती थी मुझे फ़ायदा होता था, तो मैं और बहनों को भी बताती थी, अपने रिश्तेदारों में बताती थी, मैं सबको कहती थी तुम लोग 2:30 बजे प्रोग्राम लगा के कुछ मत करो, सिर्फ सुनते रहो, कम से कम इतना तो मालूम पड़ते रहेगा कि घरेलू उपचार से हम किसी चीज़ को कैसे ठीक कर सकते। फिर उसके बाद मैंने सोचा एक बार मैं यहाँ पर विज़िट करूँ। ट्रीटमेंट अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, और जो भी स्टाफ है हम लोग से बहुत अच्छी तरह से, स्पेशली जो कोऑर्डिनेटर है निधि जी, उनके पास हम जितनी बार भी जाते जो भी चीज़ बता रहे हैं वो कर रहे हैं। और मोहित जी आ गए, तो मोहित जी भी हम लोग के साथ बहुत अच्छी तरह से, मतलब हमें हर समय हर कदम पे हेल्प कर रहे हैं, जो चीज़ हम पूछ रहे हैं हमारे हर चीज़ का समाधान भी किया। और थेरेपिस्ट जो है वो तो वाकई उनकी तो जितनी तारीफ करें हम कम है। एक छोटी सी चीज़ भी थी कि हम लोग यहाँ पे जो सीखने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि कुछ यहाँ मिलेगा, बोर तो नहीं हो जाएंगे ऐसे गांव जैसे जगह में जा रहे सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए, तो बोरिंग ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे आए तो पता चला यहाँ पे तो हम लोग को तीसी का लड्डू बनाना सिखा, और किचन में जो खाने बनते थे उसमें ना लहसुन ना प्याज है, लेकिन इतना पौष्टिक आहार यहाँ पे दिया जाता है कि वाकई देख के, और सब ऑर्गेनिक फूड है तो टेस्ट भी बिल्कुल अलग मिलता है शहर वालों से, तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने पीना सब। और हम लोग ने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए बहुत अच्छे कुम्हार बैठे हैं, वो करते हैं, तो हम लोग को देख के मन किया हम भी बनाएं, तो उन्होंने हमें करने का अवसर दिया। और फ्लेक्सोलॉजी पार्क है एक, जिस पे हम पानी में पहले चलते हैं, फिर उसके बाद रेत में चलते हैं, उसके बाद वो एक्यूप्रेशर वाले पत्थर रखे हैं गोल गोल से, उसके ऊपर चलना, और सुबह का योगा और होमोथेरेपी जिसको वो बोलते हैं हवन करना, वो सब भी प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी मतलब यहाँ आ के अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार ज़रूर यहाँ आए और अपने अनुभव से वो देखें कि उनको कितना लाभ मिल सकता है, क्योंकि हम लोग तो लाभ उठा ही रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सारे लोग ऐसे चीज़ों का लाभ उठाएं। जीवा ग्राम आना मतलब जीवन में नया संचार हो जाना, और जीवन को नए सिरे से जीने की कला आ जाती है यहाँ आने के बाद। धन्यवाद।